नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका गोपाल। हमारा किचन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर अनारकली टिक्का। तो अनारकली पनीर टिक्का हम अपना किचन में किस तरीका से बनाते हैं वो दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहें। अनारकली पनीर टिक्का के लिए सबसे पहले हमें पनीर को स्क्वायर साइज में कटिंग कर लेना है और उसके लिए वेजिटेबल्स जैसे कि ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, ये सारे थिंग्स आपको कटिंग कर लेना है। टिक्का के लिए आपको क्यूब्स क्यूब्स का जैसा स्क्वायर साइज का 2x2 इंचेस पनीर टिक्का काट लेने का है। देख रहे हैं कैसा मैंने स्क्वायर स्क्वायर जैसा पनीर काट रहा हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही पनीर काट लेना है। यहाँ पर देख रहे मैंने ऑनियन, टोमेटो, कैप्सिकम सारे वेजिटेबल्स कैसे कटिंग कर रहा हूँ, आपको सेम धीरे धीरे ऐसा ही कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे मैंने कैसे स्क्वायर साइज में पनीर अच्छा से कटिंग कर दिया है, आपको भी सेम ऐसा ही पनीर अच्छा से कटिंग कर लेना है। अब हम मिलाते हैं इसके लिए मसाला। तो दोस्तों सबसे पहले पनीर को हमें फास्ट मैरिनेशन करते हैं। तो फास्ट मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले ऐड करेंगे सॉल्ट, आपको ऐड कर लेना है सॉल्ट, प्रोमोग्रेनेट सीड पाउडर, ये देख रहे हैं अनारदाना पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, कस्तूरी मेथी पाउडर, अजवाइन सीड, मस्टर्ड ऑयल। और दोस्तों अब हम इसे अच्छा से प्याज से मिला लेंगे क्योंकि हमारा ये पनीर टूटने का संभावना होता है, तो आपको थोड़ा प्याज से आराम से मिला लेना है। देख रहे मैंने कैसे मिला रहा हूँ, आपको सेम ऐसे ही मिला लेना है। तो दोस्तों पनीर अनारकली टिक्का के लिए सबसे पहले हम लेंगे भुना हुआ बेसन, ये देख रहे मैंने बेसन को कैसे अच्छा से भून लिया है, आपको भी सेम ऐसे ही भून लेना है बेसन को। तो ऐड करेंगे भुना बेसन। नेक्स्ट ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। नेक्स्ट अब हम ऐड करेंगे फिल्टर दही, आपको हैंग कार्ड ऐड करना है। नेक्स्ट ऐड करेंगे कैसुनेट पेस्ट, आपको कैसुनेट को अच्छा सा फाइनली पेस्ट कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट ऐड करेंगे चीज, ये देख रहे मैंने चीज को अच्छा से फाइनली हाथ में घिस के पूरा मैश कर लिया है, क्योंकि चीज को आप लोग अच्छा से मैश करके ऐड करेंगे तो मसाला मिलाने के लिए इजी होगा और अपना जो कबाब का जो मसाला होता है वो स्मूथ होता है। और चीज हर मसाला में अच्छा से मिलाने के लिए मैंने चीज को अच्छा से मैश कर लिया है। तो दोस्तों अब हम ऐड करते हैं थोड़ा सा लेमन जूस, आपको थोड़ा लेमन जूस ऐड कर लेना है। और स्पाइसी के लिए ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। नेक्स्ट ऐड करेंगे व्हाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, 1 स्पून चाट मसाला, कश्मीरी चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर, कस्तूरी मेथी पाउडर, ये देख रहे अनारदाना पाउडर, ड्राई प्रोमोग्रेनेट सीड का पाउडर किया है मैंने। ये प्रोमोग्रेनेट सीड आपको इजीली मार्केट में कोई भी दुकान पे मिल जाएगा, वहां से खरीद के आपको आराम से सुखा के इसको पाउडर बना सकते हैं। ब्लैक कार्डमम पाउडर। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1 स्पून ग्रीन कार्डमम पाउडर। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे सैफ्रॉन, ये देख रहे सैफ्रॉन है, आपको ऐड कर लेना है थोड़ा सा सैफ्रॉन। तो दोस्तों नेक्स्ट अब हम ऐड करेंगे अनार जूस, आपको प्रोमोग्रेनेट का जूस ऐड कर लेना है। नेक्स्ट ऐड करेंगे फेस क्रीम, आपको फेस क्रीम ऐड कर लेना है। अब हम नेक्स्ट ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो दोस्तों देख रहे हैं मैंने इसके सारे मसाला ऐड कर दिया है, अब हम इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। आपको अच्छा से मिक्स करके स्मूथ मसाला बना लेना है। दोस्तों देख रहे हैं हमारे ये मसाला रेडी है। अब हम धीरे धीरे पहले फास्ट मैरिनेशन करके रखा हुआ था पनीर को धीरे धीरे 1x1 आराम से मिला लेंगे। देख रहे मैंने कैसे मिला रहा हूँ, आपको सेम 1x1 आराम से मिला लेना है ये सारे पनीर। और दोस्तों धीरे धीरे ये जो बचा हुआ मसाला में हमें ये सारे वेजिटेबल्स ऐड कर लेना है और इसे भी हम मिला लेंगे मसाला का साथ। तो दोस्तों पनीर अनारकली टिक्का लगाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे
पतला सा शीट ये देख रहे हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे पनीर लगा लेंगे। तो पनीर कैसे लगाएंगे, सबसे पहले लगाना है आपको ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो। नेक्स्ट लगाएंगे धीरे धीरे पनीर, ऑनियन, टोमेटो, फिर नेक्स्ट लगाएंगे पनीर। तो ऐसा करके आपको धीरे धीरे सारिया में पूरा लगा लेना है। तो दोस्तों धीरे धीरे आपको सीख में ऐसा ही पनीर लगा लेना है और सेम मसाला भी थोड़ा ज्यादा करके लगा लेना है। देख रहे हैं कैसा है ये पनीर। अब हम इसको धीरे धीरे तंदूर में अच्छा सा लीप डाल के गोल्डन ग्रिल कर लेते हैं। यह हमारा तंदूर, अब हम धीरे धीरे इसको अच्छा से तंदूर में ग्रिल करके लीप डाल के ग्रिल कर लेंगे। तो मिनिमम 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छा से लीप डाल के स्लो हीट पे अच्छा से गोल्डन ग्रिल कर लेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारा पनीर को मैंने अच्छा से गोल्डन ग्रिल कर लिया है, आपको भी सेम ऐसे ही ग्रिल कर लेना है। अब हम इसको अच्छे से प्लेटिंग कर लेते हैं। अब हम मीन चटनी का साथ ये अनारकली पनीर टिक्का को अच्छा से सर्व कर लेते हैं। और दोस्तों अनारकली पनीर टिक्का मैंने रेडी कर लिया है, आप लोग को सेम ऐसा ही रेडी करना है। और दोस्तों रेसिपी कैसा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें और नीचे लाइक भी करें। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नया खाने के साथ। बाय बाय, थैंक यू।